तो गाइस, आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन प्रखंड के श्री महावीर जी कस्बे में स्थित एक महत्वपूर्ण और जैन तीर्थस्थल के दर्शन कराने। ये जो जैन तीर्थस्थल है या जैन मंदिर है, इसका संप्रदाय दिगंबर जैन है और इसकी जो शैली है वो है नागर वास्तुकला शैली। तो हम बस में जा रहे हैं और आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे। रास्ते के बाद आपको मंदिर के अच्छे से दर्शन भी कराएंगे। तो ये है यहाँ का भव्य मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर। हम आपको मंदिर के अंदर भी लेकर चलेंगे, पर मंदिर से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर महावीर जयंती जो अप्रैल माह में आती है, वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। मेले का आयोजन 5 दिन के लिए होता है। महावीर जयंती से 2 दिन पहले शुरू होता है और महावीर जयंती के 2 दिन बाद मेला समाप्त होता है और बैलगाड़ी द्वारा खींची गई रंगीन रथ यात्रा के साथ मेले का समापन किया जाता है। जैन धर्म से संबंधित कोई भी बुक आपको पढ़नी हो तो यहाँ मिल जाएगी। और ये है यहाँ का मंदिर, बलुआ और संगमरमर से निर्मित किया गया है। तो हम आपको मंदिर के अंदर भी लेकर चलते हैं। आप मंदिर के बाहर का जो परिसर है वो पूरा देख लीजिए। और ये जो यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है, इसका नाम है मान स्तंभ। इसे कहते हैं गर्व का स्तंभ, जो 52 फीट ऊंचा है और संगमरमर से ही ये निर्मित किया गया है। ये मंदिर है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको और भी काफ़ी सुंदर चीज़ें मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। काफ़ी प्राचीन मूर्ति, शायद 1000 साल पुरानी मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आगे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण श्री अमरचंद बिलाल नामक जैन व्यापारी थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में करवाया था। गंभीर नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर वार, दिनांक, तिथि सभी लिखे हुए हैं। तो अब आप मंदिर को अंदर से देखिए। अब जो आपको मूर्ति देखने को मिलेगी वो यहाँ पर बनवाई गई है और ये यहाँ की मेन मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर आरती लिखी हुई है भगवान महावीर की। अब भगवान महावीर के अनेक रूप आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और अंत तक देखिए, आपको एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। ये उसी समय की कलाकृति है।
यहाँ पर संगमरमर की नागर वास्तुकला शैली में कुछ चित्र बने हुए हैं और कुछ इनके नीचे लिखा हुआ है। जब आप यहाँ दर्शन करने आए तो ज़रूर पढ़ लीजिए। यह मंदिर पूरा संगमरमर और बलुआ पत्थरों, जो लाल पत्थर रहते हैं, उन्होंने ही निर्मित किया गया है। यह है वो बलुआ पत्थर। यहाँ पर श्री महावीर जी स्टेशन से एक बस आती है, वो बिल्कुल निःशुल्क है, और मंदिर परिसर तक वो आती है। इसी बीच आपको रेगिस्तान का जहाज़ देखने को भी मिल रहा है। ये वो गेट है जहाँ से आपको गंभीर नदी, शांतिनाथ जिनाले मंदिर और भगवान महावीर की विशाल मूर्ति इस मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और हम आपको इस मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। यह है यहाँ का मुख्य द्वार, और द्वार के जस्ट पीछे लिखा हुआ है 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, और इसी के अंदर है वो विशालकाय मूर्ति जो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। और ये वही मान स्तंभ जो 52 फीट ऊंचा संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद आप देखिए शांतिनाथ जिनाले मंदिर। चलो अब आपको दिखाते हैं हम वो विशालकाय मूर्ति और मंदिर परिसर। यहाँ पर आकर एक तरह से बहुत ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर भगवान महावीर की कई प्रकार की मूर्तियाँ देखने को आपको मिल जाएगी, आप पूरा देख सकते हैं। हम वीडियो में आपको एक विशाल मूर्ति दिखा रहे हैं जो सच में बहुत ही विशाल है। भगवान महावीर के गुणों की तरह ही यह मूर्ति विशाल है। गंभीर नदी के तट पर स्थित यह मूर्ति अपनी अलग ही पहचान रखती है। अलग ही व्यू है यहाँ पर, जिसे आप सुकून कहते हैं। हमने वीडियो में आपको जो भी था सब कुछ दिखाने का प्रयास किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।